अपनी तफ्तीश कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ रुतिका सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के दादरी जिले में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य कार्यक्रम होने वाला है। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुबह 11 बजे ये भव्य कार्यक्रम होगा। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त मैं मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो की 13 फीट ऊंची है, अष्ट धातु की है। हालांकि ये कार्यक्रम और इस मूर्ति का अनावरण जो है 2 साल पहले ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इस मूर्ति का अनावरण आज यानी कि ठीक 2 साल बाद हो रहा है। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार यही कोशिश कर रही थी कि चुनावों से पहले इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए, लेकिन आप सभी ने देखा था कि पिछले 4 से 5 दिन से किस तरीके से घमासान लगातार जारी था इस मूर्ति के अनावरण को लेकर, क्योंकि राजपूत समाज के लोग और गुर्जर समाज के लोग, उन दोनों समाज के प्रतिनिधियों के बीच में ठन गई थी इस बात को लेकर, क्योंकि जो पोस्टर्स यहां पर लगाए गए थे उस पोस्टर्स में पहले गुर्जर लिखा गया था और उनका यही साफ तौर पे कहना था कि देखिए सम्राट मिहिर भोज को जिस तरीके से गुर्जर समाज के महाराजा के तौर पर पेश किया गया है, वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। और ऐसे में राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतर आए थे। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, अब मौजूदा स्थिति की तस्वीर किस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो पूरी तरीके से सुलझ चुका है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि तस्वीरें आप दिखाइए किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर लोग बहुत उत्साहित है। भारी भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ठीक 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसी स्थान से 2 से 3 किलोमीटर तक आप देखिए पूरा का पूरा जो सड़क है, जो पूरा का पूरा शहर है, वो भारतीय जनता पार्टी के झंडों से पट चुका है। तैयारियां पुख्ता है, अंतिम दौर में तैयारियां चल रही है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां इस लिहाज से भी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले घमासान लगातार जारी था राजपूत समाज और गुर्जर समाज के लोगों के बीच में। ऐसे में किसी तरीके का कोई खलल या किसी तरह की कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। लेकिन दूसरी ही तरफ मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि यह हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। आपने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरीके से क्लीन स्वीप बीजेपी ने यहां पर कर लिया था। 136 सीटों में से 109 सीटें अपने खाते में बीजेपी लेकर आई थी, लेकिन इस बार जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके फेवर में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इसी वजह से चुनाव से पहले ठीक पश्चिमी यूपी को साधना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में हर जिले में उनका कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा या लोकार्पण किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस राह के साथ या जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, उसी के तहत अभी भी बीजेपी है। भले ही बहुत सारे विवाद यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत में अपने वोटर्स को छोड़ना नहीं चाहती है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके की उत्सुकता इनके मन में बनी हुई है। लेकिन इस बीच जावेद मेरे सहयोगी मौजूद है अंदर पंडाल से, उनका हम रुख कर लेते हैं, जो कि बताएंगे कि वहां पर तैयारियां क्या कुछ चल रही है। जावेद, आप पंडाल के किस छोर पर इस वक्त मौजूद है, तस्वीरें जरा दिखाइए क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है, और ठीक क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:10 पर यहां पहुंचेंगे प्रोग्राम स्थल पर, लेकिन शानदार और भव्य तैयारियां यहां की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको वो पंडाल दिखाता हूं जहां पर वाटरप्रूफ एक टेंट लगाया गया है और कुर्सियां यहां पर लगाई गई हैं, और जरा मंच की तस्वीर देख लीजिए किस तरह से हम उस मंच पर मौजूद हैं जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ा होर्डिंग यहां पर लगाया गया है जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव की भी यहां पर फोटो नजर आ रही है, और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी फोटो नजर आएगी। अब जरा वो मूर्ति आपको, वो प्रतिमा आपको दिखाते हैं जिसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज की ये 12.5 फुट की प्रतिमा आप देखेंगे, अशुधातु की बनी हुई है। करीब 24 लाख रुपए का खर्चा इस प्रतिमा पर आया है बना हुआ। जैसा कि आप बता रहे थे कि 2 साल पहले बनकर तैयार हो गई थी, उद्घाटन इसका टल रहा था कोरोना की वजह से, लेकिन अब वो घड़ी आ गई जब मुख्यमंत्री आएंगे और उद्घाटन करेंगे। कुछ बीजेपी के पदाधिकारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कितना फर्क पड़ेगा सियासी मायनों में अगर देखें गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करें, कितना फायदा होगा आप लोगों को? देखिए, सम्राट मिहिर भोज हमारे देश की एक विरासत हैं, महापुरुष हैं, और वो सभी के आदर्श हैं। इसके अनावरण से क्षेत्र में बहुत ही उत्साह का माहौल है, पूरे क्षेत्र में बहुत सारे लोग
अपने संसाधनों से इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। उत्साह का माहौल है, अपने संसाधनों से आएंगे। और देखिए, मैं जरा आपको दिखाऊं, यहाँ अगर पंडाल में देखेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं और उनके साथ ही स्वतंत्र देव के कटआउट भी लगाए गए हैं। तो अब इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे, अनावरण करेंगे और क्या वो यहाँ से संदेश देना चाहेंगे। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है, किसान आंदोलन की वजह से यहाँ पर एक खतरा बना हुआ है, उसी को साधने के लिए हमने देखा कि अलीगढ़ में पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया, अब इस बेल्ट में गुर्जर सम्राट राजा मीरभोज की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर गुर्जर कार्ड खेलने की एक कोशिश है और इसके सियासी मायने और सियासी अर्थ जरूर निकाले जाएंगे। और अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहेंगे। और जो विवाद की बात कही जा रही थी कल, जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, उन्होंने कहा कि विवाद लगभग समाप्त हो गया है, सभी राजपूत बिरादरी के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहाँ से क्या संदेश देते हैं। जी बिल्कुल जावेद, देखना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री जो एक एक शब्द कहेंगे उसके अपने ही सियासी मायने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से विवाद चंद घंटों पहले पूरी तरीके से थमता हुआ नजर आया, दादरी जो कि गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है, और आप देखिए पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जरों को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और जिस बात का जिक्र आपने किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अलीगढ़, वहां पर भी महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम की यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी और हर एक जाटों का जिक्र करते हुए, सर छोटू राम से लेकर तमाम लोगों का जिक्र करते हुए बताने की कोशिश की गई थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर जो कि अक्सर गुर्जर या जाट माना जाता है, वो आज भी हमारे साथ ही खड़ा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ एक बार फिर से बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2017 के समीकरण कुछ और थे लेकिन अब 2021 आते आते समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो प्रतिमा पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है, क्या इससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि आप देखिए किसान आंदोलन जो कि पिछले एक साल से लगातार जारी है और इसी किसान आंदोलन की वजह से जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो थोड़ा खट्टा होता हुआ नजर आ रहा है, ना केवल थोड़ा बल्कि काफी ज्यादा यहाँ पर माहौल जो है बीजेपी के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। और में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस बात का फायदा उठाना चाहती है और इसी वजह से आप देखिए चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने चुनावी बिगुल का आगाज यहीं से करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 29 तारीख को देखिए प्रियंका गांधी भी आ रही है जो कि प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत की जाएगी, जो कि अलग अलग जिलों से होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ ये पश्चिमी यूपी जहां पर अक्सर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई थी, यहां पर अब समीकरण बदल रहे हैं। जावेद का एक बार फिर से मैं रुक कर लूंगी। जावेद देखिए सवाल अब ये है क्योंकि प्रतिभा पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है और चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचे हैं, 4 से 5 महीने, ऐसे में क्या प्रतिभा पॉलिटिक्स का सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी फिलहाल जो माहौल बीजेपी के अगेंस्ट होता हुआ नजर आ रहा है उसे बुलाने की कोशिश भी विपक्ष करता हुआ दिख रहा है। देखिए, जो भी राजनीतिक खिलाड़ी होते हैं वो अंतिम समय तक हार नहीं मानते और वो पूरी तैयारी पूरी जोड़ तोड़ वो करते हैं। ये बात सही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर एक सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जिसे जाटलैंड कहा जाता है वहाँ पर, उसी के काउंटर में एक जो दूसरी जातियाँ हैं उनको भी साधने की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरी तरफ एक काउंटर जाति होनी चाहिए। और वही कोशिश है, गुज्जर कार्ड खेलने की कोशिश लगातार की जा रही है और यही वजह है कि राजा मीरभोज की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और देखिए सबसे अहम ये, इसको बहुत शानदार जो प्रोग्राम है वो रखा गया है, यहाँ बड़ा भव्य मंच बनाया गया है। और देखिए अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में है वो कमांडो, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और देखिए बड़े बड़े सोफे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जिस सोफे पर बैठेंगे उस पर वो जो भगवा तौलिया जो रखा जाता है आमतौर पर, वो भी यहाँ पर, अब उसकी तैयारियां यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल मंच की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे, वो सिर्फ दादरी में होंगे लेकिन वो संदेश जो एक तरह से कहें कि गुर्जर बेल्ट है, हम मान के चले कि नोएडा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलंदशहर,
ये ऐसे जिले हैं जहां पर गुर्जर बिरादरी जो है वो निर्णायक भूमिका अदा करती है। करीब दो दर्जन सीटों पर यहां के जो वोटर्स हैं वो प्रभाव डालते हैं, तो वो यहां से जो बोलेंगे उसका संदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन जिलों में जरूर जाएगा। और पूरी कोशिश है कि जो राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण है उसे भव्य बनाया जाए, और यही वजह है कि पूरी तरह से यहाँ जो सजाया गया है, देखिए जो झंडे लगाए गए हैं प्रतिमा के आसपास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो बीजेपी का झंडे का कलर है हरा और भगवा, वो उसके चारों तरफ लगाया गया है, प्रतिमा जहाँ स्थापित है। और करीब 11:15 के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ उद्घाटन करेंगे, अनावरण करेंगे इस प्रतिमा का। और जो एक विवाद इस पर चल रहा था वो लगभग खत्म होने की तरफ है, ऐसा जो गुर्जर विद्या सभा है जो इस प्रोग्राम की आयोजक है उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब कोई विवाद नहीं है, राजपूत समाज के लोग भी यहाँ पर आएंगे। तो देखिए जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें जो समीकरण है, जो त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बीजेपी के कोर वोटर माने जाते रहे हैं, लेकिन जो अब गुर्जर समाज अगर ये भी जुड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर आगामी चुनावों में होगा, और उसी को नजर में रखते हुए ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। बीजेपी के जो जिले के पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं। सर बताइए कि किस तरह का कार्यक्रम होगा और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितने लोग जुटेंगे यहाँ पर? यहाँ पर कम से कम 50,000 की संख्या होगी, बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा और ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर प्रभावित करेगा। यहाँ हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का परचम लहराएंगे और हम तमाम भाजपा की सीटें यहाँ पर जीत कर दिखाएंगे। सर आप ये बताइए कि कितना सिक्योरिटी बोल रही है मंच? देखिए ये अब सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच गई है और कह रहे हैं कि मंच को थोड़ा सा खाली करना होगा क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री जब आते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पूरी तरह से किया जाता है, लिहाजा अभी यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं, जो सरकारी अमले के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो टेक ओवर इस मंच को अब कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के आने से पहले पूरी तरह से इसको स्कैन किया जाएगा। और देखिए ये पूरा माहौल अब यहाँ मंच के आसपास दिखाई दे रहा है, हजारों की संख्या में दावा है बीजेपी का कि यहाँ पर लोग जुटेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सुनने के लिए, और ये तैयारी यहाँ पर सजाया गया है। और मैं जरा चेकिंग के विजुअल भी दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ डॉग स्क्वाड भी दिखाई दे रहा है, जो फूल आ रहे हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, आप जरा तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि पुलिस ने साफ कहा है कि जितनी भी संवेदनशील जगहें होंगी वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए इसी तरह से यहाँ पर ये चेकिंग की जा रही है, आप जरा इधर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं रितिका, यहाँ जब हम जहाँ मूर्ति स्थापित है मिहिर भोज पीजी कॉलेज, जो कि गुर्जर विद्या सभा 6 संस्थान इसी तरह के चलाती है, मिहिर भोज पीजी कॉलेज में ये प्रतिमा रखी गई है, ये उसका रास्ता है, यहाँ पर ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आएंगे, सबसे पहले यहाँ जो ये मूर्ति है इसका अनावरण करेंगे, पूरी तरह से इसको सजाया गया है, देखिए गेट पर यहाँ फूल लगाए गए हैं गेंदे के, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहीं पर आएंगे और अनावरण करेंगे। और जब ये महज अनावरण नहीं होगा, ये एक बड़ा संदेश होगा गुर्जर बिरादरी के लिए, क्योंकि राजा मिहिर भोज को भगवान की तरह गुर्जर बिरादरी पूछती है। और जब ये विवाद भी चल रहा था तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, जो चंदा इसके लिए हुआ है वो गुर्जर समाज के लोगों ने दिया है। और मैं ज़रा वो सूची भी दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर यहाँ लगाई गई है मूर्ति के पास, यहाँ तमाम गुर्जर बिरादरी के जो आसपास के लोग हैं उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो पूरी तरह से गुर्जर समाज की तरफ से कहा गया है कि इसको लेकर अब कोई विवाद नहीं है, और ये जो शिलापट होगा इम्पोर्टेंट चीज, बिल्कुल विवाद तो पूरी तरीके से सुलझ चुका है, लेकिन क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम के जरिए पूरे पश्चिमी यूपी को साधा जाएगा? क्योंकि आप यहां पर देखिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार अब एक के बाद एक दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, कई विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए, शिलान्यास करते हुए, लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, कोशिश यही है कि हर तबके, हर जाति, हर धर्म के लोगों को साधा जाए। इस वक्त अमित भी हमारे साथ मौजूद है, अमित आप क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगे पंडाल के अंदर, आप किस छोर पर मौजूद है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है, सीधी तस्वीरें दिखाइए। देखिए हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के आगमन का। ये पंडाल के बाहरी जो आयोजन स्थल के बाहरी हिस्से की तस्वीरें हैं और इस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए हैं और यहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और इसके बाद यहां से जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो काफिला जाएगा मंच की ओर। कुल मिलाकर जो दादरी का बस अड्डा इलाका है उस इलाके को ये कहते हैं, और ये कभी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कभी मायावती का गढ़ हुआ करता था और मौजूदा समय में बीजेपी का गढ़ है। करीब 5 लाख के आसपास इस पूरे के पूरे इलाके में गुर्जर की समुदाय की आबादी है और जिस पर सबकी नज़र है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
पार्टीज हैं वो नजर रखती हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। मौजूदा समय में भाजपा यह दावा कर रही कि असली उनके हितों की रक्षा करने वाली पार्टी भाजपा ही है, और इसीलिए ये पूरी तैयारी की गई है और कोशिश यही कर रही है बीजेपी की इस समुदाय के लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, कम से कम ऐसी सभाओं से इस तरीके से लोगों के गुस्से को शांत किया जा सके और अपने पक्ष में कुछ हवा की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अमित, किसान आंदोलन की वजह से जो भी माहौल बीजेपी के खिलाफ रहा है उसकी भरपाई अब इन कार्यक्रमों के जरिए या फिर जाटों और गुर्जर वोटों को साधकर कर लेना चाहिए, क्योंकि 2021 विधानसभा चुनाव यानी कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और देखिए सम्राट मिहिर भोज जिस मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया जाएगा उस मूर्ति के बारे में मैं बता दूं कि 13 फीट ऊंची वो मूर्ति है, अष्टधातु की बनी हुई है। लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला अब लगातार शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं बचा है, 11:15 बजे। जिस तरीके से हमारे सहयोगी जावेद हमें जानकारी दे रहे थे कि 11:15 बजे योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है इस कॉलेज के आसपास कुल जो है वो सम्राट भोज मिहिर के नाम से 6 शिक्षण संस्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक राजनीतिक पार्टियों के लिए कितनी अहम भूमिका ये निभाते रहे हैं, लेकिन इनके शासन की अगर बात की जाए तो करीब 1200 साल पहले इनका शासन रहा है, पाकिस्तान के मुल्तान से लेकर या तो पश्चिम बंगाल तक बात कर लीजिए या फिर कर्नाटक या कश्मीर तक बात कर लीजिए, हर जगह इनका साम्राज्य फैलता हुआ नजर आया है। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इनकी मूर्ति का अनावरण करने जा रही है और ऐसे वक्त में जब चुनाव बेहद नजदीक है, 2 साल पहले यह कार्यक्रम हो रहा था लेकिन कोविड की वजह से इसे टालना पड़ा, लेकिन अब बीजेपी की कोशिश पूरी तरीके से यही है कि इस कार्यक्रम के जरिए जाटों को साध लिया जाए, क्योंकि गुर्जर और जाट जो कि सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं, जिनका सीधे तौर पर प्रभाव जो है 55 विधानसभा सीटों पर है, 32 जिलों पर ये पूरा का पूरा प्रभुत्व ये समाज अपना रखता है, और ऐसे में कोशिश बीजेपी की यही है कि जो भी नुकसान हमने किसान आंदोलन की तरफ से झेला है उस नुकसान की भरपाई इसी तरीके से कर ली जाए। और ऐसे में हर जिले में आप देखिए हर जिले में लगातार योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपने देखा पूर्वांचल में वो पहुंचे थे, लेकिन अब पूर्वांचल से सीधे पश्चिमी यूपी को साधने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद और अमित लगातार दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है जो कि हर एक तस्वीर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जमीनी तौर पर तैयारियां की जा रही है। जावेद आपका एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी, तस्वीरें एक बार फिर से जरा दिखाइए जो लोग वहां पर मौजूद है, जो पदाधिकारी मौजूद है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा विवाद पिछले 5 दिनों से जारी था वो तभी शांत हुआ है जब प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने अहम भूमिका निभाई, उसी के बाद यह विवाद शांत हुआ, क्योंकि अगर ये विवाद रहता तो शायद इतना भव्य कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का ना हो पाता, विरोध अपने चरम पर होता, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति जो है सामान्य होती हुई दिख रही है। देखिए बिल्कुल, देखिए जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से अब एक कहें तो कोई सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं है। तेजपाल गुज्जर जी हैं, विधायक हैं हमारे साथ। सर एक 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 रिएक्शन दे दीजिए लाइव है आप न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह की आज उम्मीद कर रहे हैं, बड़ा भव्य प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? ये हमारा गौरव है कि आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी दादरी का सम्मान बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। क्या संदेश देंगे आप यहाँ से दादरी की धरती से, पहली बार वो दादरी में आ रहे हैं? एकता का सम्मान देंगे हम सब एक है। अच्छा हाँ। लेकिन आप कहने सब एक, एक विवाद भी हुआ था, वो विवाद खत्म नहीं, नहीं है, कोई विवाद नहीं है, विवाद सब खत्म है। अच्छा। कुछ शरारती लोग थोड़े से वो कर रहे हैं, बाकी कोई विवाद नहीं है। आपने देखा गुजरों ने ठाकरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें गुजर विद्यासभा के अध्यक्ष राजाचरण भाटी जी और ठाकुर समाज के अध्यक्ष सुधीर रावल जी और बहुत सारे लोगों ने मिलकर करी, कहीं कोई कैसी बात नहीं। और आप देख लेंगे, कोई विवाद नहीं, आप देख लेंगे या भीड़ देख लेंगे, भीड़ में सब जाति और सब धर्म के लोग आएंगे और इस तरह कोई विवाद नहीं। कितने लोगों की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचने की? हम कर रहे हैं 40,000 लोगों की उम्मीद। अच्छा देखिए तेजपाल गुर्जर है जो कि विधायक है बीजेपी के दादरी से और बहुत उत्साहित है, कह रहे हैं कि 40,000 लोगों का की उम्मीद है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है जावेद, अमित आप बन रहिएगा दोनों हमारे साथ, और ग्राउंड जीरो से ये महा कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि मैं भी इस वक्त दादरी में मौजूद हूँ, कॉलेज के बाहर ही मौजूद हूँ, और कुछ देर बाद हम कॉलेज के अंदर एंट्री करेंगे, बाकी और तस्वीरें जमीनी तौर पर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप बन रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।